गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर टू कंप्लीट होता है उसके बाद में हमको आज क्वेश्चन आंसर करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर के अंदर हम ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टी चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें आपको मैंने क्वेश्चन के सामने आंसर भी दे रखा है जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए और आप इजी वे में इनको कर सको। ओके, तो फर्स्ट वन वर्ड करते हैं। इन विच बी सी ई द एसेंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्ट 776 बी सी ई। ओके, ये स्टार्ट हुआ था 776 में बी सी। ओके, ओलंपिक वैली के अंदर वेयर वर द फर्स्ट एशियंट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड। तो ओलंपिक वैली, ओके, ओलंपिक वैली के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था एशियंट ओलंपिक गेम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन विच ईयर द एशियंट ओलंपिक गेम्स वेयर स्टॉप्ड, मतलब कब ये इनको समाप्त किया गया एशियंट ओलंपिक को। 394 सी ई। ओके, 394 को सी को इनको स्टॉप किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हुज स्टॉप द एशियंट ओलंपिक गेम्स, किसने इसको और स्टॉप किया था। किंग ऑफ रोम। ओके, क्योंकि रोम में होते थे तो किंग ऑफ रोम का वहाँ के राजा था और वही सब कुछ मतलब डिसाइड करते थे, तो उनके अकॉर्डिंग स्टॉप किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इन विच बी सी बॉक्सिंग वाज इंक्लूडेड इन एशियंट ओलंपिक्स 688 बी सी ई। ओके, 688 बी सी को इसको बॉक्सिंग को इसमें इंक्लूड किया गया ओलंपिक के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, टू हुम द क्रेडिट इज गिवन द स्टार्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम। मॉडर्न ओलंपिक गेम को स्टार्ट करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो पेरी बैरोन डी कॉर्बेटन, पेरी बैरोन डी कॉर्बेटन को ये जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है स्टार्ट करने का क्रेडिट दिया जाता है। ओके, इसने ही स्टार्ट किया था। हु वाज पेरी बैरोन डी कॉर्बेटन, तो आर्मी मैन था ये, उसने इसको स्टार्ट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर एट, हाउ मनी कॉन्टिनेंट्स रिप्रेजेंट ऑफ द रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग, तो फाइव। ओके, फाइव कॉन्टिनेंट्स की जो उसमें रिंग्स को इंक्लूड किया गया है। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर विल द 2024 ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड, पेरिस। ओके, पेरिस के अंदर ये होने के हैं ओलंपिक गेम्स। हु इज़ द थॉमस वेक आई ओ सी प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में भी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द फर्स्ट पैरोलंपिक गेम वेयर हेल्ड इन, तो रोम 1960। तो पैरोलंपिक, फर्स्ट पैरोलंपिक गेम्स था रोम के अंदर हुआ था 1960 को। ओके, इन 2028 द पैरोलंपिक गेम्स समर विल बी हेल्ड इन लॉस एंजल्स। लॉस एंजल में ये होने के हैं 2028 को समर पैरोलंपिक गेम्स। फिल इन द ब्लैंक्स का थर्ड, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज स्टेबलाइज्ड एवरी डिसेबिलिटीज कैटेगरीज। ओके, मतलब सभी मतलब कैटेगरी के जो डिसेबिलिटीज़ के बच्चे हैं उनको इसमें स्टेबलाइज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन 2024 द पैरोलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन, पैरोलंपिक गेम्स 2024 को कहाँ होने का है, पेरिस। ओके, वो हमने पहले ऊपर पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देर आर 22
स्पोर्ट्स एट द समर पैरोलंपिक गेम्स। पैरोलंपिक गेम्स के कितने अंदर कितने गेम्स हैं, स्पोर्ट्स कितने हैं 22 एंड 6 स्पोर्ट्स एट द विंटर ओलंपिक गेम्स। विंटर ओलंपिक गेम्स के अंदर 6 स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। ओके, तो 22 तो समर और 6 विंटर। क्वेश्चन नंबर 6, स्पेशल ओलंपिक वेयर स्टार्ट बाय यूनिक्स कैनेडी सिटीवर। जो स्टार्ट और स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट करने का जो है इसको जाता है क्रेडिट यूनिस कैनेडी सिरिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वेयर हेल्ड इन 1968 इन शिकागो। ओके, द कलर्स इन इंटरलिंक्ड रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग आर ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड। ओके, ये जो 5 जो कलर्स हैं इसमें वो कॉन्टिनेंट को प्रेजेंट करते हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फोर्टियस मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर। ओके, फ्रेंडशिप सॉलिडरिटी फेयर प्ले फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशंस आर द वैल्यू ऑफ ओलंपिक मोमेंट्स। ओके, ट्रू फॉल्स की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज स्टेबलाइज इन 1928, तो क्या है, फॉल्स, क्योंकि कब हुआ था ये, 1927 को हुआ है, तो इसमें ये क्या होगा, रॉन्ग। इंडियन हॉकी टीम मैन वाज सेंड फर्स्ट टाइम टू एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, सो ट्रू, फर्स्ट टाइम कब गई थी ये, किस कहाँ गई थी, एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर फर्स्ट टाइम इंडियन हॉकी टीम। ओके, थॉमस बेच इन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, हम पढ़ चुके हैं पहले। द फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एशियन ओलंपिक गेम्स वेयर स्टार्ट इन ओलंपिया वैली, पढ़ चुके हैं अभी, तो क्या हुआ, ट्रू। ओके, CTS means faster, okay? CTS, LTS, 40S, ये 3 जो हैं इनका मीनिंग बताएगा कि इसमें फास्टर होता है इसका CTS का मतलब, तो ट्रू। अब बात करते हैं हम चूज द करेक्ट आंसर की, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो कौन है ये हम पढ़ चुके हैं, थॉमस बेच, किस में पढ़ चुके अपन, ट्रू फॉल्स में पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी, आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लुसियंस स्विट्जरलैंड के अंदर है ये लुसियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज स्टेबलाइज्ड, हम पढ़ चुके हैं ये भी, 1927। ओके, मैंने बताया आपको 1927 के अंदर ये स्टेबलाइज हुआ था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ आईओसी, आईओसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो है फाउंडर कौन है, सर दरबजी जमशेद जी टाटा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ओके, मतलब सर दरबजी जमशेद जी टाटा ने इनको फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इनके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर द फर्स्ट पैरोलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड, 1960 रोम। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मनी स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन समर ओलंपिक गेम्स, मैंने बता रखा आपको 22।
समरकंद 22 है, ओके, और विंटर के अंदर 6 है। ये हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टी चूज क्वेश्चंस, ओके। 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के आपको करने हैं, मैंने सारे टॉपिक करवा दिए हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। अपने आज 2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 रीड करेंगे, ओके। सो यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्वेश्चन आंसर, ओके ओके, टेक केयर।